दोस्तों हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा या नहीं आएगा, भर्ती इसकी कैंसिल हो जाएगी या नहीं होगी, और हाई कोर्ट का इसका फैसला क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा या कब होगा, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। आप लोगों को जैसा कि पता है कि कल 15 जुलाई थी और 15 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होना थी, लेकिन हाईकोर्ट में 15 जुलाई को ऐसी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है और इसकी डेट भी अभी तक कोई अपडेट नहीं की गई है। तो दोस्तों इसकी जो डेट है वो शायद अब आगे ही बढ़ेगी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ भी फैसला नहीं सुनाया है। तो आपको बता दूं कि अभी हाईकोर्ट की तरफ से कुछ भी फैसला नहीं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जो भी रहेगा आगे रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल AS अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से संबंधित आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा, इसकी भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, या फिर हाईकोर्ट में जो सुनवाई होना थी उसके बाद इसका कुछ रिजल्ट यानी कुछ निर्णय होगा या नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले तो कल जो सुनवाई होना थी हाईकोर्ट में 15 जुलाई को, वो सुनवाई पूर्ण रूप से नहीं हुई है और उसमें कोई भी अभी अपडेट नहीं है ना हाईकोर्ट की साइट पर है। दोस्तों ये जो सुनवाई होगी ये नेक्स्ट डे होगी, जब भी होगी इसकी डेट यहाँ पर अपडेट कर दी जाएगी। बात करें रिजल्ट से संबंधित, तो आपको पता होगा कि रिजल्ट आने में विलंब क्यों हो रहा है। उसके पहले हम ये समझ लें कि पेपर लीक 25 तारीख का हुआ था, तो सरकार को भी पता है और इसके पुख्ता जो इंतजाम मतलब पीवी के लिए किसने कर दिए हैं, मैप आईटी ने कर दिए हैं, बिल्कुल पुख्ता सबूत जिसको बोलते हैं एविडेंस बोलते हैं, वो सब कुछ दे दिए हैं, वो क्लियर हो गया है कि वर्किंग का पेपर लीक हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब व्यापम और सरकार इसमें क्या खिचड़ी पका रही है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 तारीख का पेपर लीक हुआ है ये मुझे भी पता है, आपको पता है और व्यापम को भी पता है और सरकार को भी पता है, लेकिन 25 तारीख के पहले के पेपर लीक नहीं हुए इसकी गारंटी क्या सरकार लेती है या इसकी गारंटी व्यापम लेती है या कौन जवाबदार है इसका कि पहले पेपर लीक नहीं हुए, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको बताऊं, देखो चोरी एक दिन हो या चोरी 100 दिन हो, चोर चोर होता है वो एक दिन करे या 100 दिन करे, तो सिंपल सी बात है यहां पर समझा जा सकता है कि सारी भर्ती जो है ना बिल्कुल शुरुआत से ही लेके अंत तक इसमें कुछ ना कुछ झोलझाल होता आया है, लेकिन वो एक दिन पकड़ा गया, तो इसलिए लोगों को समझ में आ गया कि हाँ वाकई में इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। और कुछ क्या है, तो सबसे छुपाई बात तो है नहीं, किसी से छुपी बात भी नहीं है कि कुछ हुआ है, 25 तारीख का पेपर आउट हुआ है, यानी नकल चीटिंग हुई है और लोगों ने पैसे भी दिए हैं। अब लोगों का कहने का मतलब ये भी है कि यार पेपर कैंसिल हो जाएगा तो नुकसान उनका होगा जो बेचारे मेहनत करने वाले हैं, लेकिन पैसा भी डूब जाएगा और दूसरी बात वो बच भी जाएंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं, ये भी प्रश्न बढ़ना है। लेकिन जहां तक सरकार की नजर में ऐसा है कि यदि पूरे समय का यदि पेपर कैंसिल करा देते हैं तो इतना खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी व्यापम पर एक ऐसा आरोप लगाया गया, इन्हीं न्यूज आई थी दैनिक भास्कर की, कि अभी 3 करोड़ रुपए इन लोगों ने कॉलेजेस के नहीं दिए, लेकिन व्यापम ने ऐसा कहा है कि हमने जो पैसे हैं इनके पेपर कराने के दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्यापम के जो भी पेपर होते हैं वो कॉलेजेस कराते हैं, ऑनलाइन पेपर कराते हैं, तो भाई ऑनलाइन पेपर की फीस वगैरह इनको व्यापम को देना होती है, पीवी को देना होती है, कॉलेज को, लेकिन कॉलेजों ने अभी मना कर दिया है कि भैया हम आपके कोई पेपर नहीं कराएंगे क्योंकि आपने हमारे लिए पैसे नहीं दिए, ये कॉलेजों का कहना है। तो आप खुद सोचो कि जब व्यापम इस तरीके से कार्य कर रहा है और सरकार के इशारे पर व्यापम कार्य कर रहा है, तो इसमें कितनी बड़ी राजनीति, कितनी बड़ी रणनीति बना के इन लोगों ने कार्य किया होगा। ये पेपर लीक का जो मामला है ये बहुत खतरनाक है दोस्त, तो इसमें जहां तक संभावना वैसी नजर आती है कि पेपर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि इसमें अब देखो कुछ भी बात छुपी नहीं है, यदि आप रिजल्ट दे भी देते हो तब भी इसके बाद आप पे आरोप लगना है, तो सरकार कुल मिला के अब ये चाहती है शायद कि पेपर कैंसिल कराएगी, लेकिन इसमें यदि कैंसिल कराएगी तो सरकार का तो नुकसान होना ही होना है, उन लोगों का भी नुकसान होना है जिन लोगों ने पैसे दिए हैं। बात रिजल्ट की करें कि रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने की संभावना शायद बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता होगा कि चुनाव लगभग समाप्त होने वाले हैं, इनके रिजल्ट कुछ बाकी है तो रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद सरकार के निकाय जो चुनाव है वो सब समाप्त हो जाएंगे, फिर सरकार को अपनी नेक्स्ट चुनाव की तैयारी करना है, क्योंकि सरकार चुनाव की तैयारी नहीं करेगी तो शायद लोग भूखे मर जाएंगे, बच्चे बेरोजगार बने रहेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो सरकार को कोई चिंता थोड़ी है, क्योंकि इनका परिवार है,
लेकिन सरकार को चुनाव बहुत जरूरी है, सरकार को सीट बहुत जरूरी है। मैं बता दूं, दुख सबसे बड़ा मुझे इस बात का है कि विपक्ष जो है ना मजबूत नहीं है। यदि यही पक्ष वाली सरकार यदि विपक्ष में होती तो दोस्त नंगे नाचते रोड पर। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत समय पहले की बात है, वीडियो आज भी बहुत वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर। यही जो आज पक्ष में सरकार है, ये विपक्ष में होती तो नंगे नाचते रोड पर। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी बस दुख है मुझे इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि छात्रों का दर्द समझ सकता हूं मैं कि कौन से छात्र कितनी तकलीफ में हैं, चाहे शिक्षक भर्ती के हों, चाहे एमपी पुलिस के हों, चाहे पीएससी के हों, चाहे एमपीपीएससी के हों, मतलब कोई भी छात्र हो यार, कुल मिलाकर सब छात्र परेशान है, चाहे ग्रुप सेकंड के हों या थर्ड के हों, फोर्थ के हों, सभी छात्र परेशान है। तो ऐसा नहीं है, आज बेरोजगारी का माहौल है। मेरा आप सबसे एक ही कहना है कि रिजल्ट का इंतजार अभी ना करें, कोशिश करें कि जो भी आपकी केबीएस DSSB या नवोदय विद्यालय जो भी केंद्र की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं उन सभी की तैयारियां करते रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग तकलीफ में हैं, आप लोग परेशान हैं, क्योंकि आप पर प्रश्न बार बार खड़े होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ लिख लिया, आप तैयार हो गए रोजगार के लिए, तो सरकार तो रोजगार दे नहीं रही, लेकिन मोहल्ले वाले पड़ोस वाले सब पूछने लगते हैं शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि भैया वो पढ़ाई करेंगे। अब वो माहौल पहले जैसा नहीं रहा है, अब माहौल बदल चुका है। सरकारों को अब सीट की जरूरत है, सरकारों को आपके वोट की जरूरत है, सरकारों को अब जो बड़े बड़े लोग हैं इनको खरीदने की जरूरत है। सरकारों को छात्रों से मतलब नहीं है, बेरोजगारों से मतलब नहीं है, इनको प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। और यदि हम और आप ऐसी सरकारों को सत्ता में लाते हैं तो हमसे बड़ा आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकारों ने हमारे लिए सिर्फ धर्म की राजनीति में उलझा रखा है। मैं आपको बता दूं, एक बात मैंने सुबह भी कही थी कि राजनीति सरकारें जो है ना, यदि इतना प्रयास जितना प्रयास राजनीति में कर रही हैं, इतना प्रयास इतनी मेहनत इस स्वास्थ्य में उस शिक्षा में करती तो आज मेरा प्रदेश पूरे इंडिया में सबसे अव्वल होता और सबसे आगे होता, और आज प्रदेश का हर युवा अच्छा नागरिक बनता और शिक्षा से जुड़ा होता, और आज रोजगार के लिए आपके दरवाजे नहीं खटखटा रहा होता, क्योंकि उसके पास इतनी हुनर होती और वो काम कर रहा होता। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग तैयारी करते रहें, केंद्रीय विद्यालय जो भी कर रहे हैं उसकी करें, सरकार से भी ऐसी कोई उम्मीद न रखें। यदि आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर करते रहें, क्योंकि आएगी, और इसमें कोशिश करना फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि पेपर में आपका हो गया सिलेक्शन और पहली बार में ज्वाइनिंग मिल गई तो सब ठीक है, सेकंड काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट इनके बारे में बिल्कुल सोचा मत करो। मेरा आप सबसे एक ही कहना है, फर्स्ट तो ठीक है और फर्स्ट और लास्ट यही समझा करो, ठीक है। नमस्कार।